नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता और करेंगे दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा, मुंबई को 29,400 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। नेस्को सेंटर में सभा को भी करेंगे संबोधित। दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का 16 जुलाई को रांची दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। बैठक में मंडल स्तर के कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। विस्तारित कार्य समिति के एजेंडे पर होगी चर्चा। 2 जुलाई को अमित शाह की होने वाली विस्तारित कार्य समिति बैठक की तैयारियों को करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और उनके परिवारों से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान भविष्य की रणनीतियों पर किया विचार विमर्श। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाया। बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला करना चाहती है। संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़कर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रही। केंद्र सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने दिया बयान। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान की गरिमा को तार तार करने की कोशिश की। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया बयान। संविधान हमारे देश के लिए बहुत पवित्र ग्रंथ है। 25 जून 1975 में कांग्रेस के शासन में संविधान को दरकिनार कर आपातकाल घोषित कर दिया गया। उस दिवस को याद रखना जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने संविधान हत्या दिवस पर बयान देते हुए कहा, 25 जून को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया था। उस समय संविधान की हत्या की गई थी। जिनको यातनाएं मिली थी, आज उनको सम्मान मिला है। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। लंबी चली पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। 88 करोड़ के घपले का है आरोप। आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कोलानुकोड़ा इस्कॉन मंदिर में पार्टी नेताओं के साथ किए दर्शन। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। जयपुर में राजपूत कर्णी सेना अध्यक्ष महिपाल मकराना पर हुआ हमला। हमले के दौरान मकराना गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कर्णी सेना के समर्थकों में आक्रोश का माहौल। मॉस्को में शुक्रवार को रूसी यात्री जेट सुखोई सुपरजेट 100 उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त। घटना के दौरान चालक दल के 3 सदस्यों की मौत। नाटो देशों को चीन का स्पष्ट संदेश। बढ़ते तनाव के बीच बेलारूस में शुरू किया सैन्य अभ्यास। नेपाल में गिरी प्रचंड सरकार। चीन समर्थक ओली के हाथ आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। शुक्रवार को संसद में प्रचंड विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में बनाई जगह। अपने करियर में 37वीं बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में बनाई जगह। डिफेंडिंग चैंपियन अल्काराज से होगा उनका सामना। बिना जंक्शन के पास यात्री ट्रेन से गिरकर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। आरपीएफ ने तत्काल जिला अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी रेफर कर दिया गया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को जन समस्याएं सुनने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। चिकित्सा अधीक्षक को हर संभव चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।
जालौन में सरेआम भाजपा नेता को बाइक सवार ने मारी गोली, घटना से मचा हड़कंप, घायल को जल्द अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में अवस्थी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर भास्कर अवस्थी को बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल भास्कर अवस्थी को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। चंपावत में एक हफ्ते से बंद पड़ी सड़क को खोलने की मांग को लेकर युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। बेहटा ब्लॉक के कोलपुरवा से देवपालपुर गांव तक 2021 में शारदा नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बनाया गया था एक बांध। उम्मीद थी कि इससे गांवों में पानी नहीं आएगा और ग्रामीणों को पहले जैसी नहीं होगी परेशानी, लेकिन बांध के बावजूद नुकसान होने का लोगों में है डर। बस्ती में शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी के आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कि तत्काल वापस लेने की मांग। शिक्षक नेता ने अन्य मांगों के साथ हाफ सीएल और ईएल की भी मांग की। शिमला में जिला परिषद की बागवानी समिति की बैठक में सेब सीजन की तैयारियों और यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में बागवानों की समस्याओं का समाधान और मंडियों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किए गए पारित। समिति के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने कहा कि यह प्रस्ताव बागवानी मंत्री और सरकार के समक्ष गंभीरता से रखे जाएंगे। कानपुर के ग्वाल टोली में मोहर्रम के जुलूस में शामिल होने जा रहे व्यक्तियों की निशानी झंडा हाई टेंशन तार से टकराई। इस हादसे में एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा वाया ससवा नहर पटरी मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के एक्ससीएन आशीष भारद्वाज ने भ्रष्टाचार का रचा इतिहास। अधिकारी ने फर्जी तरीके से निकाले 32 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ के गीतपल्ली वार्ड में हो रहे सीवर कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का जल निगम के अधिकारियों को दिया निर्देश। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सोनीपत में बैठक कर लिया गया निर्णय। सरकार उनकी मांगों को पूर्ण नहीं की तो आगामी दिनों में जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा के डॉक्टरों की समस्याओं से संबंधित सौंपेंगे लिखित ज्ञापन। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने के द्वारा टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठाया सवाल। भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी जवानों ने अवैध रूप से रह रहे एक जर्मन नागरिक को किया गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से रह रहे इस जर्मन व्यक्ति की पहचान और गतिविधियों की जा रही जांच। रुद्रपुर में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने खटीमा सितारगंज और नानकमत्ता क्षेत्र में आई दैवीय आपदा से राहत कार्यों की समीक्षा की। अयोध्या में जिला पंचायत के 3 साल पूरे होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने पेश किया 3 साल का रिपोर्ट कार्ड। अयोध्या में ऐतिहासिक होगा 3रा अंतर्राष्ट्रीय सिंधि सम्मेलन। सिंधु एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कोटवानी ने दी जानकारी। उन्नाव के गुलरिहा गांव में युवक ने कहा सुनी के बाद पत्नी की गला घोट कर दी हत्या, आरोपी पति हुआ फरार। नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में मिला एक महिला का शव, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। हापुड़ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। हिमताल के बमेटा गांव में पुल से लगे गधेरे में नहाते समय डूब गया था हिमांशु दफोटिया।
कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दिया बयान, कहा कांग्रेस प्रदेश में दो विधानसभा में हुए उपचुनाव बद्रीनाथ और मंगलौर में नतीजे 13 जुलाई को आने वाले हैं सामने। ऐसे में कांग्रेस मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए विकास नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया श्रद्धांजलि सभा, पूर्व सैनिकों ने भी की शिरकत। मथुरा में शासन के निर्देश पर न्यायालय परिषद की सुरक्षा के लिए एसएसएफ के जवानों को किया गया तैनात। इसी के अंतर्गत एसएसएफ की मथुरा में बनाया गया है 4th बटालियन का मुख्यालय। हापुड़ के संभावली शुगर लिमिटेड पर बैंकों का करीब 1436 करोड़ रुपए का बकाया है ऋण। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संभावली शुगर लिमिटेड से मालिकाना हक छीनते हुए प्रबंधन संचालक बैठाने के लिए निर्देश दिए। संत कबीर नगर में चकबंदी लेखपाल रविशंकर शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे मोती सिंह मौजूदा समय के हालात पर दिख रहे नाराज। बीजेपी की पट्टी विधानसभा में मतदाता सम्मान समारोह में मोती सिंह ने सरकार की कार्यशैली पर लगाया गंभीर आरोप। बस्ती में बहुजन मुक्ति पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आए दिन होने वाले पेपर लीक और नीट परीक्षा में धांधली के सवाल को लेकर दिया धरना। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निस्तारण करने की मांग। ललितपुर में शादी का घर मातम में बदला, दूल्हे की भांजी को मंदिर में 4 दिन पूर्व लगाए गए विद्युत पोल पर लटक रहे तार से तेज विद्युत करंट का लगा झटका, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। नगर पालिका में जल भराव की समस्या से निजात के लिए सालाना करोड़ों रुपए होती है खर्च, लेकिन बरसात आते ही जल जमाव की समस्या बनी रहती है जस की तस। टीएसडीसी में धूमधाम के साथ हाइड्रो पावर कंपनी ने मनाया अपना 37वां स्थापना दिवस। उत्तराखंड में चल रही सारी सड़क पार्किंग और ऊर्जा योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से हो रहा है काम। मंगलौर में प्रेमी से फिरौती मांगने की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, महिला मित्र ने हनी ट्रैप की योजना बनाकर खुद की झूठे अपहरण की बनाई कहानी। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर को सौंपा गया ज्ञापन। शामली में बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान ने आरएलडी बीजेपी गठबंधन विधायक पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। बलरामपुर के रिसालपुर कोयलरा गांव में 10 वर्षीय बच्ची की नाले में डूबने से मौत, खेलते समय नाले में गिरने से हुआ बड़ा हादसा।